नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर बता दें आपको। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान जारी है। 2,80,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। बड़ी खबर बता दें आपको, राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 11.78% मतदान हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वसुंधरा राजे ने वोट डाला है। अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी वोट डाला है। दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर बता दें आपको, 2,80,00,000 मतदाता मतदान करेंगे। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 11.78% मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने वोट डाला है। अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट डाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजस्थान के तमाम दिग्गज किस तरह से मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं और यहां पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे पूर्व सीएम वोट डालने के लिए पहुंची। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, सामने आ रही है इस वक्त की, राहुल गांधी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। बड़ी खबर बता दें आपको, देश की तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है ये, राहुल गांधी ने कहा है। बता दें आपको, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करें, राहुल गांधी की ओर से अपील की गई है। संविधान का सिपाही बनकर मतदान करें, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। देश की तकदीर बदलने वाला चुनाव है, राहुल गांधी ने कहा है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें। बड़ी खबर बता दें आपको, संविधान का सिपाही बनकर वोट करें, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अशोक गहलोत पूर्व सीएम राजस्थान के यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल तस्वीर में आप देख सकते हैं, कांग्रेस महासचिव हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वोट कास्ट के बाद अपनी फिंगर का निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी वोट डालने पहुंची है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको मतदान केंद्र में नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही सीएम केरल के पिनाराई विजयन भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता वी मुरलीधरन भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आप देख सकते हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी एक्स पर अपील की गई थी कि सभी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मतदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको, सामने आ रही है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने 10 साल में देश को नई दिशा दी है, योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, सामने आ रही है, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ की ओर से जीत का दावा करते हुए ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा पीएम ने 10 साल में देश को नई दिशा दी है। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, लगातार दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। द्वितीय चरण में आज लोकसभा के 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को द्वितीय चरण में देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी वोट कास्ट करने के बाद अपने फिंगर का निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मतदान केंद्र में पहुंची हैं और वोट डालती हुई नजर आ रही हैं। बता दें आपको, पिनाराई विजयन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केरल के सीएम है जो वोट डालने के लिए पहुंचे, वी मुरलीधरन बीजेपी नेता वोट डालने के लिए पहुंचे और गजेंद्र सिंह शेखावत भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम दिग्गज चेहरों की तस्वीरें जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। बता दें आपको, अशोक गहलोत के बेटे
बता दें आपको वैभव गहलोत राजस्थान से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी के साथ ये ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के साथ साथ वैभव गहलोत, इन दोनों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। यहां से इनका राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। वहीं केसी वेणुगोपाल कांग्रेस महासचिव भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। निर्मला सीतारमन वोट डालने के लिए पहुंची है। पिनराई विजयन भी केरल के सीएम वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वी मुरलीधरन वोट डालने के लिए पहुंचे और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। छह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े दिग्गज जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये सभी वोट डालने के लिए पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। इसी के साथ ही जीत का दावा भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ज्यादा मतदान करने के लिए कहा गया है। बता दें आपको इसी के साथ ही राहुल गांधी की ओर से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए कहा गया है। और ये तस्वीरें जो बेहद खास है इसमें तमाम दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। बता दें आपको जालौर से वैभव गहलोत चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। आज 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसके लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। महाराष्ट्र यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। कई दिग्गजों की किस्मत और साख दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से और मतदान केंद्रों में ये लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तमाम ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर आज मतदान होना है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। महाराष्ट्र की 8 और उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा जिसके लिए लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज नेता वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई है क्योंकि पहले चरण के मतदान में पूरे देश में देखा गया था किस तरह से काफी ज्यादा मतदान में गिरावट आई थी। इसके मद्देनजर लगातार ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा रही है। लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और सभी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी जहां पर भी हैं अपने घरों से निकले और वोट डालने के लिए पहुंचे दोपहर से पहले अपना मतदान करें ताकि गर्मी से भी बचे। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बता दें आपको दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं संवाददाता गाजियाबाद से। प्रवीण, गाजियाबाद की जनता को देखकर आपको क्या कुछ समझ आया, किस तरफ रुझान है, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? देखिए लोकतंत्र का महापर्व है जहां पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र। जहां पर लोग लंबी कतार है और कतार में सभी लोग लगातार अपना अपना मतदान करके वापस घर की ओर जा रहे हैं। सुबह से ही यहां पर भीड़ आपको दिखेंगी कि मुस्लिम महिलाएं हैं वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंची है। खासतौर पर जो नए युवा हैं, युवा भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। यहाँ से तय होता है दिल्ली की राजनीति तय होती है, दिल्ली की गद्दी तय होती है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है लोगों के अंदर समझ में आ रहा है कि आखिर क्या चाहती है, लोग जनता के मन में क्या है, ये सब मुद्दों को लेकर वोट किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गाजियाबाद में अब लगभग 10:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे इस समय मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों की संख्या में बताऊं तो महिलाएं और पुरुष लगातार इस मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपने जो मत का है वो प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो दो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनको अपने अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे और किस मुद्दों पर किन मुद्दों पर वोटिंग रहेगी ये देखने वाली बात रहेगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो मतदान करके निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किस मुद्दों पर वोट होगा, क्या है ये बताएं, किन मुद्दों पर वोट किया गया है इस बार? देखिए कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, अभी इन्होंने अपना मतदान कर दिया है। हालांकि कुछ लोग जो है वो बोलने से कतरा रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ से आएंगी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वोट देख रहे हैं, वोट किया है आपने, क्या मुद्दे रहे इस बार? और गालिया क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दों पर आपने इस बार वोट किया है? हम तो कंधे पे लगाए। देखिए माफ करिएगा क्योंकि किसी को नहीं बता सकते कि आपने किसको वोट दिया है, आपने किन मुद्दों पर वोट किया है, क्या मुद्दे रहे इस बार के? सही होना चाहिए,
और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि लोकसभा का ये महापर्व है और इस पर्व पे आप लगातार अपना वोटिंग करके आए हैं, क्या आपके जहन में मुद्दे चल रहे हैं? जनता सब पूछ रहे हैं क्या मुद्दा रहा माता जी, इस बार आपने वोट किया है, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे पर वोट किया गया? तो जिस तरीके से लगातार महिलाएं का कहना है, महिलाएं जो है कि किस तरीके से उन्होंने वोट दिया है, इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि महंगाई, रोजगार जो है इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ये सब मुद्दे हैं। क्या मुद्दा रहा इस बार का वोटिंग का? देश में विकास होना चाहिए और भाईचारा बना रहना चाहिए, मेन मुद्दे जो है। तो आज हमारे मुल्क का युवा नौकरी के बगैर परेशान है, बहुत ज्यादा उलझनों में है, तो युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो महंगाई बहुत महंगाई आसमान छू रही है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, डबल ट्रिपल हो गई कांग्रेस के पिछले दौर से, मतलब बहुत ज्यादा डबल हो गई महंगाई। महंगाई कम होनी चाहिए, एक आम जनता को, गरीब जनता को एक सुकून चाहिए। ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे और चार चार हिंदू और मुसलमान ये सारी चीजें नहीं चाहिए। देश जो भाईचारा हमारा बना हुआ है, गंगा जमुनी तहजीब हमारी, वो कायम रहनी चाहिए। लोकसभा से टिकट कटा है यहाँ पर जो जनरल वीके सिंह का, लोग उससे खुश हैं, नाराज है, क्या है? लोग उससे नाराज है, जनरल वीके सिंह जी का कटने से ठाकुर समाज नाराज है। तो देखिए किस तरीके से पहले भी जो जनरल वीके सिंह है, लगातार ये जो गाजियाबाद की सिटिंग सीट रही है और ये भाजपा के लिए खासतौर पर एक बहुत बड़ी सीट रही है, आप लगातार भीड़ दिखा सकता हूँ किस तरीके से लोग मतदान करके अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं और भारी संख्या में लोग घर से निकलकर मतदान कर रहे हैं। और जो मत की पेटी है वो आज शाम 5 बजे तक वो कैद हो जाएगी, जिसके बाद जो रिजल्ट है वो देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके पक्ष में रिजल्ट पहुंच रहा है। सुबह से ही वोटिंग जारी है और लगातार अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, नवयुवक जो हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रवीण जुड़े रहेगा हमारे साथ, अब लगातार देखा जा रहा है मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ जो है वो नजर आने लगी है। मनोज शर्मा भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। मनोज, राजस्थान में कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है, अब लोगों के मुद्दे समझ आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत सामने आया है उसको देखते हुए लगता है कि अभी भी बहुत कम है, पहले चरण के मुकाबले अभी मतदान प्रतिशत कम हुआ है। जी, कारण उसका वो है क्योंकि मौसम विभाग ने हीट वेव का जो है एक अलर्ट जारी किया था, क्योंकि अभी दूसरे चरण का जो मतदान है वो मतदान जो है इस तरह से देखा जाए तो ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों के अंदर है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं जहाँ पे हीट वेव का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, गर्मी का ज्यादा असर दिखाई देता है। तो इस तौर पर जितने भी तमाम जो नेता थे कांग्रेस बीजेपी के, वो लगातार और चुनाव आयोग ने लगातार मतदाताओं से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर में आप बूथ तक पहुंचे और मतदान का उपयोग करें, क्योंकि कारण ये था कि पहला जो चरण था, पहले चरण में जो मतदान हुआ था उसको देखने के बाद में दोनों ही पार्टियों के चेहरे पर चिंता की लकीर थी कि ज्यादा कहीं नुकसानदायक और कम कहीं नुकसानदायक साबित न हो जाए। तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों ने जोड़ा पूरा जोर लगाया। पीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर अपील की थी कि आपको मतदान करने के लिए सुबह जल्दी आना है। चुनाव आयोग ने मतदान की अपील की, कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी अपील की है वीडियो के माध्यम से कि आपको जल्दी से जल्दी मतदान करना है और 11 बजे तक मतदान करने के बाद में आप जितना जल्दी हो सके पोलिंग बूथ के अंदर में आप चले जाए। और चुनाव आयोग के अधिकारी से हमारी बात, चुनाव आयोग के अधिकारी ने साफ कहा है कि हमने मतदाताओं के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था और टेंट की व्यवस्था रख रखी है, साथ में बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी प्रकार से कोई जी बताइए, जिस तरह से अभी तक की तमाम जो तस्वीरें नजर आई हैं, चाहे वो यूपी से हो या अन्य राज्यों से हो, ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि मुस्लिम वोटर जो है वो ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है, इसका क्या कुछ कारण हो सकता है और क्या राजस्थान में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं? देखिए मुस्लिम माहौल क्षेत्र गए थे जो पहले चरण के अंदर में, अगर हम जयपुर के जो टॉप के अंदर मतदान है, टॉप के अंदर में भी मुस्लिम चेहरा सामने साफ दिखाई देता है, तो मुस्लिम चेहरे मुस्लिम जो है उन्हीं पर ज्यादा आ रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान था शायद उसका कहीं ना कहीं मुसलमानों के फर्क पड़ा है, तो निश्चित तौर पर मुसलमान ज्यादा मतदान करते हैं, मुसलमानों में ज्यादा उत्साह होता है वोटिंग करने का हिंदू वोटरों के मुकाबले। लेकिन हिंदू वोटर जो है क्योंकि अपने सारे काम, घर के सभी काम निपटाने के साथ में ही वोटिंग करने नहीं कर पाए, और क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह रखा है कि वोटिंग में अगर आप 6 बजे से पहले
अगर पोलिंग बूथ में अगर आप एंट्री ले लेते हैं उसके बाद में चाहे आपको 12 बज जाए, आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अधिकार मिलेगा। तो इसीलिए जो है हिंदू वोटर जो माने जाते हैं वो अपने सभी काम सुलटाने के बाद में ही वोटर के लिए वोट कर निकलते हैं। मुस्लिम जो मतदाता है क्योंकि वो सुबह जल्दी आकर अपने मतदान करके प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लगातार हमारे सभी रिपोर्टर्स लगातार फील्ड पर मौजूद हैं और जानकारी दे रहे हैं। सिद्धार्थ प्रताप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ, यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, क्या कुछ माहौल इस बार नजर आ रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इस समय मतदान शुरू हो गया है और जो 8 सीटें हैं उसमें पिछली जब चुनाव हुआ था तो 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और एक सीट अमरोहा की बीजेपी ने उसमें उस बीजेपी को हार मिली थी। तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि 8 सीटों को फिर से जीता जाए और फर्स्ट फेज में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो सेकंड फेज में उसको कहीं ना कहीं कवर कर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। देखिए, पिछली बार जब हुआ था तो सेकंड फेज से बीजेपी उत्तर प्रदेश में काफी बढ़त बना ली थी। देखिए, इस बार सियासी समीकरण की बात कर ले तो खास करके मथुरा की बात करें, सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की, वहां पर हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही है, उनके खिलाफ मुकेश धनगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ सीधा मुकाबला दिख रहा है और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो वोटर है वो ठाकुर बिरादरी है, उसके बाद जाट है, उसके बाद मुस्लिम, तो मुस्लिमों की काफी संख्या है। अब लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर लगातार मतदान तेजी से हो रहा है। लेकिन एक चीज है कि मथुरा की बात करें तो मथुरा में काफी समय अब देखना, ये काफी लड़ाई है आमने सामने, एकदम सियासी समीकरण देखा जाए। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि हेमा मालिनी देखिए हैट्रिक लगा पाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलीगढ़ की बात कर ले, अलीगढ़ में भी सतीश गौतम की 7 दांव पर लगी है, उनको लगता है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो हैट्रिक लगा पाते कि नहीं। कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी है जिनको हैट्रिक लगाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, कई ऐसे प्रत्याशी है जो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लेकिन इसी के साथ ही जब रिपोर्टर्स आप लोग जब जनता से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा काफी ज्यादा नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ भी सकती हैं? देखिए, बिल्कुल लड़ाई हर सीट पर है, ये कोई नहीं कह सकता कि एक तरफा चुनाव है। देखिए, नोएडा की बात कर ले, नोएडा में महेश शर्मा, ये एक चीज नोएडा के लिए जो है, नोएडा सबसे विकास वहां सबसे ज्यादा हुआ, इस पर कोई दो राय नहीं है, वहां चाहे एयरपोर्ट की बात कर ले या चाहे फैक्ट्रीज की बात कर ले। लेकिन जब वहां पर जनता से लोग सवाल कर रहा जाता है तो जनता कहती है कि यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। देखिए, ये एक मुद्दा है नोएडा के लिए, जब आप समझ सकती है नोएडा जो विकसित है, सबसे ज्यादा विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब वहां पर इस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है तो अन्य जिले हैं आप बढ़ते जाएंगे, जब पश्चिम से पूर्व की तरफ तो काफी कुछ देखने को मिलेगा। महंगाई एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, युवाओं का रोजगार एक मुद्दा है। देखना यह है कि एक चीज बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, देखिए जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो अब की बार 400 पार इस तरह का नारा दे रहे हैं और वो एक सीएम योगी और पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़, ये एक चीज है, ये यही एक प्लस पॉइंट होता है। पिछली बार भी इसी तरीके से नैया पार हुई थी तो उनको ये उम्मीद है कि उनकी नैया इसी से पार होगी। देखिए, हर सीट का अलग अलग सियासी समीकरण, मेरठ की बात कर ले तो अरुण गोगोई के लिए भी चुनाव आसान नहीं है, मेरठ में भी लड़ाई है। मेरठ में देखिए अतुल प्रधान का टिकट काटा गया, उसके बाद फिर जो मेयर थी उनको चुनाव लड़ाया गया, तो समाजवादी पार्टी ने हर सीट पर लड़ाया और हितेंद्र उपाध्याय अलीगढ़ से इस तरीके से हितेंद्र उपाध्याय टिकट दे दिया गया। बीएसपी ने हर सीट पर अपने प्रत्याशी लड़ा दिए और बीएसपी जो बी टीम लोग कहते हैं तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हर सीट पर जो है सियासी समीकरण गड़बड़, जो अन्य प्रत्याशी, ठीक है। सिद्धार्थ, प्रवीण मिश्रा जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ गाजियाबाद से। प्रवीण, क्या लगता है कि अतुल गर्ग की ये जो सियासी लड़ाई है कितनी चुनौतियों भरी है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको, अतुल गर्ग की अगर बात करें तो गाजियाबाद से और लगातार मंत्रिमंडल भी दिया गया था, जो कि जिसके बाद कोविड का एक दौर लोगों ने देखा, जब उस समय पर जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो अतुल गर्ग के ऊपर काफी टिप्पणियां की गई कि ऑक्सीजन आखिर स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद, जब भी मौजूदा विधायक है उसके बाद भी जो जनता है जो जूझ रही थी, चाहे वो कोरोना हो या ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो, वो उन चीजों की कमी ना पूर्ण कर पाना, ये लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं किसी भी कैंडिडेट को टारगेट तो तय कर लेती है कि भाजपा का ही कोई कैंडिडेट है जो उतरा है वो जीतेगा। लेकिन इस बार जो टक्कर जो लगातार जो टक्कर है इंडिया गठबंधन से, जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है डॉली शर्मा को उतारा गया है, अब डॉली शर्मा किस तरीके से उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से काफी बातचीत की,
लोगों का मत ही बताएगा कि किस मत के तरफ वो जा रहे हैं और किस तरीके से किस पार्टी के किस प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी की महिलाओं ने खुद बात करी, मैं समय जिस क्षेत्र पे हूँ यहाँ पर लोग भी देखिए किस तरीके से खड़े हुए हैं, सब इकट्ठा है और अपने अपने मत की। ठीक है प्रवीण, ठीक है प्रवीण, बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, बैलेट पेपर की मांग को लेकर याचिकाएं खारिज हो चुकी है। वीवीपीएटी बता दें आपको वेरिफिकेशन की मांग खारिज हो चुकी है, पर्चियों से मिलान की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मांग को खारिज कर दिया गया। मतदान के बाद 45 दिन तक सुरक्षित होंगी पैट, बता दें आपको वीवीपीएटी से 100% पर्ची सुरक्षित है। सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बयान दिया गया है। ईवीएम से ही मतदान होगा स्पष्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बैलेट पेपर की मांग को लेकर याचिकाएं खारिज हो चुकी है, बता दें आपको। मनोज शर्मा लगातार हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा, याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज हो चुकी है, कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पेपर जो चुनाव होगा वो ईवीएम से ही होगा। प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ आ रहा था और उनका आरोप था कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। कारण यह था कि कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी थी, संगठन भी थे, एनजीओ थे, जिन्होंने कहा था कि वीवीपैट की जो पर्ची निकलती वो दिखाई हो जाती है हो सकता है उस संदर्भ में लोगों ने एक संतोष जाहिर किया था कि हम जिसको वोट देते हैं शायद वो वोट उस पार्टी को ना जाते किसी दूसरी पार्टी को चला जाता है। तो ये कई सालों से चला आता है और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है, लेकिन वही सत्तारूढ़ पार्टी लगातार ये कह रही थी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं या कर्नाटक जीत जाते हैं या तेलंगाना जीत जाते हैं तो वहां पर तो आप ईवीएम को दोष नहीं देते, लेकिन आप जहां वहां पे आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम के दोष माते मार लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मतलब दर्शकों को बता दें कई जगह है, विदेशों में ऐसी जगह है जहां पर ईवीएम को बैन किया गया है, लेकिन भारत के अंदर में ईवीएम की प्रणाली कई सालों से लगातार जारी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके टेक्निकली कोई फॉल्ट हो, लेकिन अभी तक वो ऐसा कोई जब जाहिर नहीं किया गया है जिसके अंदर में ऐसा साबित होता हो कि आप वोट अगर कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी के खाते में जा रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं या वो कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो है लगातार विरोध चल रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में ये तो साफ हो गया है कि आने वाले भविष्य के अंदर में सभी चुनाव होंगे, चाहे वो किसी राज्य के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, वो ईवीएम के द्वारा ही किए जाएंगे। बिल्कुल मनोज, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया चुनाव ईवीएम से ही होंगे, क्या लगता है क्या विपक्ष की जो ये अनर्गल कह सकते हैं इसको, जो बयानबाजी होती है इस पर विराम लगेगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि भारत का उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद तो शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि कहीं आपको आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है जब फैसला विपक्ष के अनुरूप आता है उन्हें समझ आता है तो वो ठीक होता है, वही अगर फैसला उनके उनकी तरफ नहीं आता खारिज कर दिया जाता है तो वो कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं, तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को जो है न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए, उन पे कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अभी भी कहीं भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो विपक्ष अपनी बातों को रखने के लिए न्यायपालिका के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट से समय मांगता है और तारीखों का इंतजार करता है। क्योंकि ईवीएम का जो फैसला था जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कई सालों से लगातार जारी था, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही थी कि ईवीएम में कहीं ना कहीं टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वोट प्रतिशत तो बढ़ता है लेकिन वोट हमें क्यों नहीं बढ़ाते वो एक अपने आप में बड़ा चिंता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें या तमाम अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था उसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का वोटों का प्रतिशत बहुत ही कम था, फिर भी आरोप लगा कि बीजेपी को वोट कम मिले, तो ऐसा नहीं है विपक्ष ने अपने आप में कहीं से की, हिमाचल की हमने बात की, कर्नाटक की भी बात की और इससे पहले जब राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो ईवीएम के द्वारा ही हुए थे, उस वक्त विपक्ष ने कुछ नहीं कहा था ईवीएम को लेकर, लेकिन जहां पर लगता है कि हम हारने वाले हैं वहां पर विपक्ष ईवीएम को दोषी ठहरा दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि विपक्ष के लिए एक तरह से साफ तौर पर कहा गया है कि आप हर बात को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से एक्सेप्ट करता है या फिर उस पर कोई बयानबाजी करता है। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रवीण, किस तरह से अब लोगों की कतारें देखी जा रही हैं, क्या कुछ समझ आ रहा है आपको वोटर से बातचीत करके?
देखिए बता दूं लगभग 10:15 हो गए हैं, लेकिन भीड़ जो है वो बड़ी तादाद में दिख रही है महिलाओं की। खासतौर पर देखिए महिलाएं जा रही हैं लगातार कंटिन्यूसली, यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अपने अपने मत के लिए पहुंच रहे हैं। और ये मतदान केंद्र है, आपको बता दूं ये वो तस्वीरें हैं मतदान केंद्र है जहाँ पर मतगणना खासतौर पर यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि जिस बूथ पर हम खड़े हैं, जिस मतगणना केंद्र पर खड़े हैं, ये बूथ ऐसा है यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है ज्यादा संख्या में, लोग खासतौर पर यहाँ ज्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि महिलाएं और खासतौर पर पुरुष और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि यहाँ की जो प्रतिशत है लगभग अब 11 बजने जा रहा है, क्योंकि जिस समय हमने 9 का जो आंकड़ा बताया था वो 10% वोटिंग यहाँ पर अब तक हो चुकी थी। ये खोड़ा नगर पालिका के पूरा रेशियो है इस समय का, क्योंकि खोड़ा नगर पालिका की जो संख्या है जनसंख्या काफी भारी मात्रा में, यानी 12 से 15 लाख की यहाँ पर एकमात्र आबादी है लोगों की, और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें रिहायशी क्षेत्र की, जो हाईकोर्ट एरिया है वहां पर लोग थोड़ा सा छुट्टी के कारण थोड़ा लेट उठ रहे हैं और लेट वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें बुजुर्ग जो है वो जो 60+ से ऊपर है वो भी धीरे धीरे पहुंचना जारी है उनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्यादा जानकारी के लिए। तो लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी है, लगातार प्रधानमंत्री की ओर से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।